हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, यूजीसी ने पब्लिक नोटिस जारी करके कहा है कि अब आपका नेट का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए नहीं रह गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के साथ पीएचडी के एडमिशन के लिए भी ये एग्ज़ाम अब मान्य होगा। यानी कि आपके देखा जाए नेट के एग्ज़ाम के आधार पे ही अब पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। पहले जेआरएफ वालों को देखा जाए, नेट के एग्ज़ाम में जो लोग बैठते थे और जेआरएफ जिनको प्राप्त होता था, वो लोग पीएचडी के एडमिशन में रिटन टेस्ट से छूट प्राप्त करते थे और डायरेक्ट इंटरव्यू दे के एडमिशन उनका हो जाता था पीएचडी में, और फेलोशिप भी प्राप्त करते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो लोग नेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको भी देखा जाए रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा पीएचडी के एडमिशन के लिए। ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में रिटन टेस्ट नहीं देना होगा और सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। जैसे जेआरएफ वाले इंटरव्यू देके देखा जाए तो एडमिशन ले लेते थे, वैसे ही आपको भी यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन जेआरएफ वालों के लिए 3 साल की वैलिडिटी सर्टिफिकेट के दी जाती थी साथ में, कि आप 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना है। वैसे ही नेट वालों को भी 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। अब नेट के सर्टिफिकेट जिस दिन से आपके इशू होंगे उससे 1 साल के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो रिटन टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा और आपका इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन हो जाएगा। हाँ, फेलोशिप की बात की जाए तो फेलोशिप जेआरएफ वालों को निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी, लेकिन नेट वालों को गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित फेलोशिप देने की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। साथ में जो लोग ये कह रहे हैं कि नेट के सर्टिफिकेट क्या अब 1 साल के लिए ही मान्य होंगे, ऐसा नहीं है। नेट का सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा पीएचडी के एडमिशन के लिए। और साथ में आपके स्कोर कार्ड में देखा जाए जो आपका सर्टिफिकेट होगा यूजीसी नेट का या सीएसआई नेट का, उसमें 2 चीज़ें निश्चित तौर पे अब मेंशन की जाएंगी। पहला, आपका स्कोर निश्चित तौर पे अब दिया जाएगा, और दूसरा परसेंटाइल। तो स्कोर और परसेंटाइल दोनों आपके सर्टिफिकेट में अब मेंशन किया जाएगा, जो कि पहले के एग्जाम में कभी कभी मिसिंग कर दिया जाता था। सिर्फ परसेंटाइल दिया जाता था, स्कोर देखा जाए मिस कर दिया जाता था, लेकिन अब परसेंटाइल और स्कोर दोनों मेंशन किया जाएगा और फिर इसके आधार पे आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। तो नेट के एग्ज़ाम में एक बड़ा देखा जाए पैटर्न में चेंजेस आ गया, और आने वाले देखा जाए समय में भी ये चीज़ें आपके देखा जाए ज़मीनी तौर पे लागू कर दिया जाएगा और इसका बेनिफिट आप सभी लोग पाएंगे। ओके, तो वीडियो में इतना ही। सीधे कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।